भारतीय रेल में लगभग रोज हजारों लोग सफर करते हैं और यात्रा के दौरान हर यात्री चाहता है कि उसका सफर मंगलमय हो, मगर कई बार उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को सुरक्षित सफर करवाना रेलवे की जिम्मेदारी है, मगर जानकारी के अभाव में यात्रियों को उनके अधिकार के बारे में पता नहीं चलता, जिससे उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। आज हम आपको रेलवे से जुड़े कुछ अधिकारों के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको यात्रा करने के दौरान काफी मदद मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए कैरियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मिल सके सभी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और यह बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी प्रकार के नियमों को आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि रेलवे ने आपको दिया है, और आपको विश्वास भी दिला देना चाहते हैं कि आज की ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप रेलवे में यात्रा करते समय आने वाली हर कठिनाई से बहुत ही आसान तरीके से आप निपट सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत स्वच्छता को लेकर करते हैं। अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और आपको रेलवे में गंदगी दिखाई देती है, तो इसके खिलाफ आप कहां पर कंप्लेन करेंगे? इसके लिए दोस्तों आपको रेलवे के किसी भी कर्मचारी से रेलवे विजिटर बुक की डिमांड करनी चाहिए, जिसमें आप रेलवे की खूबी और उसके खराबी का बहुत ही आसानी से जिक्र कर सकते हैं। और दोस्तों, हाल ही में गांधी जी के 150वीं जयंती पर एक ऐप का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है निर्मल NCR ऐप। इसे आप प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत क्या है दोस्तों? इस ऐप के द्वारा आप रेलवे में जो भी गंदगी है उसकी शिकायत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको इसमें बहुत सारी डिटेल भी शेयर नहीं करनी होती है। फिलहाल यह केवल अभी उत्तर मध्य रेलवे के लिए है, तो जो उत्तर मध्य रेलवे से हैं उनके लिए यह ऐप इस समय उपलब्ध हो चुका है, वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी यात्रा करते समय हम लोग टिकट लेना भूल जाते हैं, पर उस समय अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप TT के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, उनका RAC टिकट है, तो TT की जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को आधा सीट मुहैया कराए। और अगर TT यूनिफॉर्म में नहीं है, तो आप उसे टिकट चेक करने से मना भी कर सकते हैं। TT का यूनिफॉर्म में होना लाजमी होता है। और अगर आप वेटिंग में सफ़र कर रहे हैं, तो TT आपसे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नंबर वाले का टिकट कंफर्म नहीं कर सकता, आप उनसे इसके बारे में कह सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप RAC टिकट में सफ़र कर रहे हैं और आपकी सीट पर दूसरा मुसाफिर नहीं आया है, तो अब आप TT को पूरा सीट को कंफर्म करने के लिए कह सकते हैं, और TT को यह टिकट कंफर्म करना ही होगा। किसी दूसरे को उस सीट पर आपके साथ जोड़ नहीं सकता TT, आपका यह अधिकार है कि उस समय आपको पूरा सीट दिया जाए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम यात्रा कर रहे हैं और हमारे पास न तो टिकट है और ना ही प्लेटफॉर्म टिकट है, तो उस स्थिति में TT आपको ट्रेन से नहीं उतार सकता, लेकिन नियम के हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी आप टिकट लेने के लिए जाएं, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रेलवे द्वारा आपको कंसेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, बशर्ते आपको यह नियम पता होना चाहिए। रेलवे अलग अलग श्रेणियों के यात्रियों को कंसेशन देता है। रोगी, विशिष्ट नागरिक, पुरस्कार प्राप्तकर्ता, युद्ध शहीदों की विधवाएँ, छात्र, युवा, किसान, कलाकार, खिलाड़ी और चिकित्सक व्यवसाय समेत रेलवे कई और अन्य श्रेणियों के लोगों को कंसेशन देता है। अगर आपको यह नियम पता है, तो आपको कंसेशन मिल सकता है, आप कंसेशन की मांग कर सकते हैं। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आपको विशेष प्रकार की छूट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि अगर आपका उम्र 60 साल के ऊपर है, तब आप वरिष्ठ नागरिक के कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप पुरुष हैं, तो आपको 40% छूट मिलेगा टिकट में, और अगर आप महिला हैं, तो आपको 60% छूट दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें यात्रा करने के लिए तत्काल टिकट लेना पड़ता है, और हम इस तत्काल टिकट को कैंसिल या फिर रिफंड नहीं कर सकते, पर दोस्तों कुछ विशेष परिस्थितियों में आप इसे कैंसिल या फिर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। वे परिस्थितियां अब हम आपको बताने वाले हैं।
पहली परिस्थिति यह है कि अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट हो जाती है तो आप टिकट को कैंसिल या फिर रिफंड ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन यह है दोस्तों, किसी प्राकृतिक आपदा या फिर बंद होने की वजह से ट्रेन अगर नहीं चली तो आप रिफंड मांग सकते हैं। तीसरी कंडीशन यह है दोस्तों, अगर किसी कारण से ट्रेन डाइवर्ट रूट पर जाती है और आपका स्टेशन उस रूट में नहीं आता तो आप रेलवे से रिफंड की मांग कर सकते हैं। जब हम लोग रिफंड की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक और विशेष परिस्थिति के बारे में बता देते हैं। अगर आपका टिकट एसी क्लास का है और आपको किसी वजह से स्लीपर क्लास में सफ़र करना पड़ रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं रिफंड के लिए, या फिर आपका एसी कोच में एसी खराब है तब पर भी आप क्लेम कर सकते हैं रिफंड के लिए। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आपके टिकट पर आपका कोई भी फैमिली मेंबर सफ़र कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपके कंफर्म टिकट पर आपके माता पिता, भाई बहन या फिर बेटा बेटी और आपकी पत्नी सफ़र कर सकती है। इसके लिए आपको टिकट ट्रांसफ़र करना होगा। इस खातिर आपको 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के पास रिक्वेस्ट देनी होगी। दोस्तों, हम में से लगभग सभी लोग यही जानते हैं कि टीटी की जिम्मेदारी होती है कि टिकट चेक करना, पर इसके अलावा भी उनकी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है जिसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। जैसे कि महिला की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वह टीटी के पास ही होती है। टीटी की यह जिम्मेदारी होती है कि एक महिला के बगल के सीट के पास कोई अन्य महिला ही बैठे। दूसरी जो जिम्मेदारी होती है वह यह होती है दोस्तों, ट्रेन में पानी खत्म होने और शौचालय को साफ करवाने की जिम्मेदारी भी टीटी के पास होती है। आप इसके लिए उनसे कह सकते हैं। तीसरी जो बात आती है दोस्तों वह यह है कि यात्रियों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वह टीटी के पास ही होती है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि ट्रेन चलने के बाद दरवाज़ा बंद हो। दोस्तों, भारतीय रेल में यात्रा करते समय अगर आपकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है तब आप इस प्रकार की सुविधा का लुत्फ ले सकते हैं। इस सुविधा का नाम है फास्ट एंड बॉक्स की सुविधा। हर ट्रेन में फास्ट एंड बॉक्स की सुविधा होती है। ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री कभी कभी इसका लाभ ले सकते हैं। फास्ट एंड बॉक्स रेलवे के किसी भी कर्मचारी से मंगवाया जा सकता है। यह सुविधा निःशुल्क होता है। आपको इसके लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी तबीयत और भी ख़राब हो जाती है तो रेलवे की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अगले स्टेशन पर डॉक्टर और एम्बुलेंस की उपलब्धता करके आपको दे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम यात्रा करते समय अपना टिकट घर पर ही भूल आते हैं और हमारा टिकट कंफर्म भी होता है। लेकिन अब आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टिकट गुम हो जाता है तो यात्रा से 24 घंटे पहले आप बोर्डिंग स्टेशन के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र के पास जाकर डुप्लीकेट टिकट जारी करने का आग्रह करते हुए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया के चलते आपको डुप्लीकेट टिकट आवंटित कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है कुछ लोगों को टीटी को लेकर बहुत ही दिक्कत होती है। वे जानना चाहते हैं कि हमें टीटी के प्रति कौन कौन से कानून दिए गए हैं। कुछ लोगों को टीटी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इससे रिलेटेड आपके अधिकार क्या हैं अब हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। इन अधिकारों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप टिकट खरीदने के बाद यात्रा नहीं करते हैं तो टीटी आपकी सीट आपके स्टाफ से 2 स्टाफ तक किसी को भी नहीं दे सकता। साथ ही टीटी को आपका 1 घंटे तक इंतज़ार करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप अगले स्टेशन से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। और अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आपको TDR टिकट डिपॉजिट रिजिट फाइल करना होगा और इसे मंजूरी होने पर बेस फेयर का 50% रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम शेयर करने वाले हैं। इस नियम को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। रेलवे नियम के अनुसार जिस भी यात्री की मिडिल बर्थ आरक्षित होती है तो वह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी सीट पर सो सकता है। उसके बाद उसे अपनी सीट डाउन करनी होगी ताकि अन्य लोअर बर्थ पर बैठ सकें। रेलवे नियम के अनुसार टीटी आपको रात 10 बजे से 6 बजे तक डिस्टर्ब नहीं कर सकता और टीटी को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकट वेरिफिकेशन करने की इजाज़त है। दोस्तों, जब कभी भी आप टिकट निकालें तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करने पर आप मात्र 92 पैसा खर्च करके 10 लाख रुपए तक की यात्रा बीमा आप सुनिश्चित कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आप ज़रूर लें।